ट्रैक नहीं कर रही थी, बेसिकली स्टॉक कर रही थी। मैं इसको मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सब जगह स्टॉक कर रही है। ये मैंने परचेज की। गाइस मैं इस सूट के बारे में बात कर रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस फैशन ब्लॉग। माय नेम इज रितु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो गाइज, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक हॉल वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हॉल वीडियो बनाने से पहले मैं जो भी सामान परचेज करती हूँ उसको पहले चेक करती हूँ, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरीके से, इसी परंपरा को निभाते हुए, मैंने जो दोनों सूट खरीदे हैं मैंने उनको चेक कर लिया है, उनको वॉश करके देख लिया कि कलर उनका फेड तो नहीं हो रहा या फिर उनका कपड़ा जो है श्रिंक तो नहीं हो रहा, कपड़े की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही है। तो दोनों सूट ने पूरा टेस्ट जो है क्लियर कर लिया है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हॉल वीडियो। अगर आप इसे किसी वेडिंग पे पहनना चाहते हो, पार्टी में पहनना चाहते हो, किसी ओकेजन पे पहनना चाहते हो, फेस्टिव वेयर की तरह यूज़ करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली यू कैन एनहेंस योर वार्डरोब बाय एडिंग दीज कलेक्शंस। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मेरा पहला सूट सेट है ये मैंने परचेज किया है मीशो से। मुझे ये मिला है 1042 रुपीज़ का। मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी इसका स्क्रीनशॉट और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो गाइज, जो मेरा पहला सूट है ये मैंने मीशो से परचेज किया है। ये है कलर ब्लू, पैटर्न इसका पूरा प्रिंटेड है, पैंट सेट है, इसके साथ है एक सूट, एक पैंट और एक दुपट्टा। जो सूट है वो है इस तरीके का। आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइल चल रहा है ना नायरा कट, ये नायरा कट पैटर्न में है और मिराकी ब्रांड का है। बाकी मैं इसका ट्राई ऑन में दे दूंगी, उसमें आपको ये पूरा दिख जाएगा कैसा लगेगा। और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है गेट रेडी विद मी, वो भी मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। उसमें भी मैंने ये पूरा इसके साथ मेकअप पूरा लुक क्रिएट कर रखा है इस सूट को पहन के, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो सो गाइज, ये है मेरा सूट। इसका जो नेक है राउंड नेक है, पीछे से नहीं है डीप, बस आगे से इतना डीप है। पूरा फ्रंट में जो है जरी का वर्क है इसके, साइड में स्लिट होती है, इस पर इस तरीके का दे रखा है, बॉर्डर दे रखा है, इस पर भी सेम जरी का वर्क हो रखा है। और नीचे दामन में भी सेम इसी तरीके का बॉर्डर है जिस पे जरी का वर्क हो रखा है। और पीछे की तरफ नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे से बिल्कुल प्लेन है। स्लीव्स जो है वो 3/4 स्लीव्स है। स्लीव्स पे भी सेम इस तरीके का बॉर्डर लगा पड़ा है जिसपे हमारा जरी का वर्क हो रखा है। ओवरऑल सूट का लुक बहुत प्यारा आ रहा है पहनने के बाद। जो डिज़ाइन है ना आपके बस्ट तक कवर करेगा, उसके नीचे से ना ये पैटर्न इस तरीके का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे बहुत सारे चुन्नट है, ना एक फ्रॉक सा लुक दे देता है, जिसकी वजह से आपका अगर टमी वगैरह है तो पता नहीं चलेगा। प्रेग्नेंट लेडी भी इसको इजीली कैरी कर सकती है और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है, रायोन का कपड़ा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। समर सीजन के लिए तो ये बेस्ट है। पैंट की लेंथ इन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखी है इस तरीके की, और जो वेस्ट बैंड जो है पैंट की वो इलास्टिक वाली है, पूरी इलास्टिक है, पार्शली नहीं है, फुली इलास्टिक है। और इसके भी पैंट पे भी लास्ट में सेम उसी तरीके का एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, बॉर्डर दे रखा है जिसमें हमारा सेम वही जरी की एम्ब्रॉयडरी है। फैब्रिक भी सेम वही रियोन की फैब्रिक है। नेक्स्ट इसका दुपट्टा जो कि बहुत ही प्यारा है। ये पूरा ओवरऑल जो है प्रिंट है, ये प्रिंट है, लेकिन इस तरीके का प्रिंट नहीं है जो कि धोने के बाद उतर जाएगा, बिकॉज मैं इसको धो चुकी हूँ, प्रेस कर चुकी हूँ। और सेम जो एम्ब्रॉयडरी लगी पड़ी थी सूट पे, पैंट पे, वही दुपट्टे के चारों तरफ उसी तरीके की एम्ब्रॉयडरी लगी पड़ी है। और बेसिकली सूट बहुत ही अच्छा है, गुड क्वालिटी विद गुड प्राइस। इसमें मेरा नेक्स्ट सूट सेट है ना, वो अब तक का मेरा सबसे फेवरेट सूट सेट है। मीन्स मेरे जितने भी सूट है ना वार्डरोब में, उनमें सबसे फेवरेट है। एक तो ये कि इस सूट को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक नहीं कर रही थी, बेसिकली स्टॉक कर रही थी। मैं इसको मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सब जगह स्टॉक कर रही थी कि अगर इस प्राइस में ये मुझे मिलेगा ना तो मैं इसको परचेज कर लूँगी, अदरवाइज मैं इसे परचेज नहीं करूँगी। और कलर इसका काफ़ी ट्रेंड में है, तो ये सूट पे तो मेरा दिल आया हुआ था, तो बस मुझे चाहिए था इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाए ताकि मैं परचेज कर पाऊँ। सो गाइज, मैं इस सूट के बारे में बात कर रही हूँ। पर्पल कलर ना आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो कुछ इस तरीके का जो है सूट है। ये नेक है वो स्वीट नेक है, और सबसे अच्छी बात इस सूट की ये है ना कि इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि यू कॉन्ट इमेजिन। ऐसे लग रहा है कि मैंने किसी टेलर को अपने घर पे बुलाया हो, अपना मेजरमेंट दिया हो, उसके बाद मैंने ये सूट बनवाया हो। मैंने इतने सारे सूट परचेज किए, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लिवास ब्रांड जो है ना वो उसकी जो फिटिंग होती है, जैसे कि आपने कोई भी साइज, सॉरी गाइज मैं अभी बताना भूल गई, मुझे एकदम से याद आया, जो मैंने पहले वाला जो सूट परचेज किया वो मैंने मीडियम साइज में परचेज किया है। हाँ, तो चलो बैक टू द टॉपिक। मेरा ये वाला सूट भी जो है मेरा मीडियम साइज में है, और लिबास का ना जो सूट का कलेक्शन है वो भी एक तो अच्छा है, उनका कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लिबास की मैं और भी सूट पहन चुकी हूँ, और उनकी जो, जैसे कि उन्होंने दे रखा है मीडियम साइज है, और उसमें जो इंचीज दे रखे हैं, उन्होंने जो मेजरमेंट उन्होंने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ना ज़्यादा ना कम, तो उसकी फिटिंग ना बहुत ही अच्छी आती है। लिबास की मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है। सो गाइस, तो चलो मैं आपको सूट दिखाती हूँ, बातें बहुत करती हूँ मैं।
फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरे सूट पे और सीक्वन वर्क हो रखा है। नेक इसका स्वीट नेक है और नेक पे भी इसका जरी का वर्क है और सीक्वन वर्क है। तो कुछ इस तरीके का ये सूट है। इसकी जो स्लीव्स है ना वो फुल स्लीव्स हैं और स्लीव्स के एंड पे भी सेम इसी तरीके के जरी का वर्क दे रखा। कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है इसका, बिल्कुल मुलायम और ना बिल्कुल हैवी नहीं है। देखने में सूट बहुत हैवी लग रहा है पर इसमें कोई भी वेट नहीं है। इसमें पूरा जरी का वर्क है और इतनी बारीकी से कर रखा है, इतनी नीट एंड क्लीन वर्क है ना। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेटेड एंड बहुत ही कम्फी है। इसके अंदर इस तरीके की लाइनिंग भी है, ये देखो ये अटैच्ड है इसके अंदर लाइनिंग, ठीक है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा कि हाँ कपड़े अंदर से कुछ दिख रहा है, तो बिल्कुल पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा ये। अब मैं इसका दिखाती हूँ आपको प्लाजो। प्लाजो की फिटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, आसन से भी बहुत अच्छा है ये। फुली इलास्टिकेटेड बेस्ट ब्रांड है इसका। फैब्रिक है वो सिल्क ब्लेंड है, जो सूट का फैब्रिक था सेम वही फैब्रिक जो है। इस तरीके से इन्होंने जरी का वर्क कर रखा है, एम्ब्रॉयडरी लगा रखा है, जैसे स्लीव्स पे है उसी तरीके से सेम और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है इसके अंदर। इसका कपड़ा भी देखिए काफ़ी सी थ्रू कपड़ा है, दिख रहा होगा ना आपको मेरी शक्ल। तो इन्होंने इसके अंदर भी इस तरीके की लाइनिंग दे रखी है ताकि पहनने में कम्फर्टेबल हो। बेसिकली ये पूरा प्लाजो है और इसके अंदर दो पॉकेट भी दे रखी है, एक इधर पॉकेट है ये ना इस तरीके का, और एक इस तरीके की पैकेट इधर भी पॉकेट भी है। और जो हार्ट है सूट का वो है दुपट्टा। सो गाइस बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, सेम वही फैब्रिक है सिल्क ब्लेंड, लेकिन इसके यहाँ पर एक जो लास्ट में है बॉर्डर लगी हुई है इस तरीके की कप दुपट्टे की, और पूरे इस दुपट्टे पे ना इस तरीके का वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयड्री सीक्वन का वर्क हो रखा है जरी के साथ। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है और दुपट्टे के चारों तरफ इस तरीके की टसल्स लगी हुई हैं और इन्होंने एक्स्ट्रा टसल भी दी है ताकि अगर कभी गिर जाती है या फिर गुम हो जाती है टूट जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा टसल्स भी हों। ये मुझे मिला था 2000 रुपीज़ में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस सूट को मैं देना चाहती हूँ 10/10, बहुत ही प्यारा सूट है। सो गाइज ये थी मेरी दोनों परचेज जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कौन सा सूट इसमें से पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप इनमें से कोई भी परचेज कर रहे हो तो वो भी मुझे बताना कि आप कौन सा वाला परचेज कर रहे हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।